हाँ तो गाइस देखो, जो अभी रो फिरो के पीछे आप लोगों को लाइट हाउस दिख रहा है ना, उसको आज रो फिरो बाय करने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि गाइस इससे पिछले वाला जो वीडियो था ना हु विल विन का, तो भाई उसमें ना अपने रो फिरो विन आया था और भाई इसको मिलेंगे $1 बिलियन, जिससे ना भाई ये आज लाइट हाउस को बाय करेगा। तो पहले तो हमें $1 बिलियन लेने के लिए जाना है भाई अपने रो फिरो वाइस टाउन की जो सरकार है, और रो फिरो वाइस टाउन की सरकार भाई किसके पास है मुझे नहीं पता है, तो वो सब हमें बताएगा टिप्सन। बट ये क्या यार, ये पुलिस वाले हमें क्यों मारने लगे यार नीचे आते ही? भाई इन लोगों का क्या बिगाड़ा है यार हम लोगों ने? देख रहे हो गाइस, बिना बात के ही हम लोगों को मारने पीटने लग गए। तो एक काम करते हैं, इनसे ना बाद में ही निपटेंगे, फिलहाल यार मुझे यहाँ से जाना है, क्योंकि अभी हम लोगों को बाय भी तो करना है ना भाई लाइट हाउस को। तो थोड़ा इनको चकमा देने की कोशिश कर रहा हूँ, बट यार ये तो मेरे पीछे पड़ गए हाथ धो के। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से सीधा चलता हूँ भाई लाइट हाउस के ऊपर। पहले आप लोगों को दिखा के आता हूँ लाइट हाउस दिखने में कैसा है। वैसे तो आप लोगों ने देखा ही होगा, बट फिर भी यार कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आप लोगों को दिखा के आता हूँ। वैसे तो यार जो लोग रो फिरो वाइस टाउन को खेलते हैं ना, उन सभी लोगों को पता है कि लाइट हाउस दिखने में कैसा है, बट मैंने सोचा यार एक बार दिखा ही दूँ, क्योंकि खरीदना तो है ही है। तो मैं सोच रहा हूँ यार आप लोग भी कुछ बताओ यार, अपना लाइट हाउस की कुछ सीक्रेट बातें बताओ यार, क्या चीज़ है लाइट हाउस के अंदर ऐसा सीक्रेट जो कि यार मुझे नहीं पता हो या किसी को भी नहीं पता हो। तो देखो भाई ये तो लाइट हाउस हो गया, बट अभी मैं जा रहा हूँ भाई टिप्सन के घर पे। टिप्सन का जो न्यू घर है वो भाई इस वाले रोड के नीचे ही है, मतलब आप लोगों को पता ही होगा टिप्सन का न्यू हाउस कहाँ पर है। और ये क्या भाई साहब, मेरे को लग रहा है रोपरो आज पहाड़ी से गिर के ना मरने वाला है, तभी तो देखो कितनी खतरनाक वाली ड्राइविंग कर रहा था अभी। तो फाइनली अभी ये रोड जा रहा है। तो ये देखो सामने जो है ना, ये टिप्सन का ही घर है। तो चलो देख के आते हैं टिप्सन घर पे है या फिर नहीं। वैसे तो टिप्सन घर पे ही रहता है, क्योंकि अब जो है ना उसने बहुत सारे कर्मचारी रख लिए हैं अपने पास काम करने के लिए, बट यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा। और तुम्हारे भाई ने ना भाई टिप्सन का गेट ही तोड़ दिया, वो खड़ा गाइस देखो सामने टिप्सन, और ये फोन पे बातें कर रहा है शायद किसी से। ओ भाई साहब ये फोन पे नहीं गाइस, ये तो गांजा सूत रहा है। हाँ भाई टिप्सन क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई बढ़िया। छोटे तू बता क्या हाल चाल है तेरे, और आज मेरे घर पे कैसे आना हुआ भाई तेरा? अरे टिप्सन भाई यार एक बात तो बताओ, मुझे ये बताओ कि ये रो फिरो वाइस टाउन की सरकार किसके हाथ में है, क्योंकि मुझे जो है ना लाइट हाउस खरीदना है, और तुमने बोला था कि भाई सरकार मुझे $1 बिलियन देगी जो रेस फर्स्ट जीतेगा। अरे हाँ हाँ भाई, मैं तुम्हारे यहाँ पे ही केबल भिजवा रहा था भैया, तुम्हारी डिश लगवाऊंगा यार, पहले टेंशन क्यों ले रहा है भाई? यार ये टिप्सन किससे बातें कर रहा है कि भाई केबल लगा दूंगा? और ये क्या सामने भाई देखो एक वैन खड़ी हुई है, लगता है टिप्सन ने न्यू वैन खरीदी है। चलो देख के आता हूँ। ओके तो ये क्या है भाई, क्रैब टीवी, मतलब ओ भाई साहब टिप्सन ने नया बिजनेस ओपन किया है गाइस। देखो भाई ये टीवी की डिश जो होती है ना उसको भी सेल करने लगा। अब लगता है भाई टिप्सन जो है ना धीरे धीरे बड़ा आदमी बन रहा है। अबे भाई टिप्सन तूने डिश का काम कब से शुरू कर दिया यार, एक डिश मेरे घर पे भी लगवा दे यार, अर्टिगा टीवी देख लिया करेगी। अबे सुतरी के, अब तुझे अर्टिगा की बड़ी याद आ रही, तेरा तो अर्टिगा से ब्रेकअप हो गया था, तू बता रही था कि वो सुपर हीरो के साथ भाग गई। अबे यार धीरे बोल यार टिप्सन, सब सुन लेंगे। हाँ यार वो तो भाग गई, लेकिन मैं ही देख लिया करूंगा टीवी। चल ये सब छोड़ यार, तू ये बता के इस टाइम रो फिरो की जो सरकार है वो किसके हाथ में है, क्योंकि मुझे ना लाइट हाउस खरीदना यार, मैं रेस में फर्स्ट आया था, और तुझे पता फर्स्ट आने के भाई $1 बिलियन देगी सरकार, तो मुझे यार उस सरकार से मिलना, जल्दी बता। अबे छोटे तुझे यही नहीं पता रो फिरो वाइस टाउन में किसकी सरकार चल रही है? अबे मेरे बड़े भाई टिप्टन की सरकार चल रही है इस टाइम, तुझे पता नहीं पिछले साल वो इलेक्शन में जीते थे और 1.5 साल हो गया उनको यहाँ की सरकार चलाते हुए, और जनता भी बहुत खुश है रो फिरो वाइस टाउन की सरकार से। अबे यार भाई टिप्टन तेरा बड़ा भाई सरकार चला रहा है यार, मुझे तो पता ही नहीं था, तभी तो मैं सोचूं भाई टिप्सन के पास इतना बड़ा बंगला और लैम्बोर्गिनी कार कहाँ से आई है। देख रहे हो गाइस टिप्सन के पास नई नई गाड़ियाँ आ रही है आजकल, देखो लैम्बोर्गिनी खड़ी है यार यहाँ पे, मैं सोच रहा हूँ इसके भाई के पास ना इसी की लैम्बोर्गिनी लेके जाता हूँ। अबे भाई टिप्सन यार मैं तेरी लैम्बोर्गिनी से चला जाऊँ क्या? अबे हाँ यार छोटे, आज तू अपनी बुलेट यहीं पे छोड़ जा यार, मुझे काफी टाइम हो गया बुलेट चलाए हुए। हेलो, अबे फोन किसने काट दिया? छोटे तुझसे बाद में बात करता हूँ जरा फोन। हाँ अरे भाई यार तू कहाँ पे है, जल्दी से उसके घर केबिल लगा के आ जा यार। हाँ तो यार चलते हैं भाई टिप्टन के पास, जो कि टिप्सन का बड़ा भाई है, उसी की सरकार चल रही है यार रो फिरो वाइस टाउन में। और ये क्या भाई साहब, रो फिरो ने भाई देख रहे हो टिप्सन के बॉडीगार्ड और भाई उसके घर की जो नौकरानी थी ना जो झाड़ू पोछा करती थी उसे भी लपेट दिया। अब तो भाई टिप्सन जरूर रो फिरो को जेल करवाएगा यार, मतलब टिप्सन के साथ में ही रह के टिप्सन के बॉडीगार्ड को ही मार रहा है यार। ये क्या कर दिया यार रो फिरो तूने, भाई इतनी मुश्किल से तो हमें लैम्बोर्गिनी मिली। ओ भाई साहब पूरी लैम्बोर्गिनी की ऐसी दी तैसी कर देगा मुझे लग रहा है आज रो फिरो।
ओके तो भाई हमारे पीछे 2 स्टार पुलिस भी लगी हुई है। और आप लोगों ने मुझे पता है एक चीज तो नोटिस कर ही ली होगी कि आज ब्लैक स्पाइडर की आवाज इतनी चेंज क्यों लग रही है, क्योंकि यार तुम्हारे भाई की ना थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है यार। अभी मैंने यार ये वीडियो संडे में अपलोड करने की सोची थी, बट उस टाइम तो मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था यार, मतलब थोड़ी तबीयत डाउन थी जिस वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाया था और ये वीडियो जो है ना आज मैंने अपलोड की है। तो कोई बात नहीं यार, एक दिन लेट सही, लेकिन यार आप लोगों को मजा आना चाहिए। तो चलो यार अभी चलते हैं हम लोग यार अपने टिप्सन के बड़े भाई टिप्टन के पास, और वहां से $1 बिलियन लेके ना हम लोग लाइट हाउस को बाय करेंगे, और फिर लाइट हाउस के अंदर जाके देखेंगे कि भाई लाइट हाउस के अंदर कैसा दिखता है और भाई उसका रास्ता कहां से है। और यार अभी तक भी आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, क्यों नहीं किया यार, जल्दी से लाइक करो। चलो ओके, तो अभी ना आप लोगों ने लाइक कर दिया, बट अभी भी मैंने काफी सारे बंदे ऐसे है ना यार जो लोग सिर्फ वीडियोस देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा क्यों करते हो यार आप लोग, जल्दी से सब्सक्राइब करो अगर आप लोग को और भी मजेदार वीडियोस देखनी है तो। देखिए भाई साहब ये क्या हो गया यार, ओ पीछे से पुलिस वाले भी आ गए। अब मैं गाड़ी को कैसे निकालूं, अबे लाल कलर वाले हटा जल्दी गाड़ी, ओ मेरे को निकलना पड़ेगा, बच गया यार, नहीं तो पुलिस वाले ने इधर से गेट खोल दिया था। अच्छा हुआ और अपना रो फिरो के अंदर दिमाग है, इधर से गेट खोल के बाहर आ गया था। बट यार हमारे पीछे अभी भी 2 स्टार पुलिस लगी हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा यार ये मेरे पीछे क्यों लग जाती है जब भी मैं अपना गेम प्ले रिकॉर्ड करता हूँ। तो चलो कोई नहीं यार, वैसे तो मैं इन पुलिस वालों से बच ही जाऊंगा, मुझे एक ऐसी जगह जाना है जहाँ पे ये लोग आ ना सके। ओ ये क्या यार, दोनों तरफ से पुलिस वाले आ रहे हैं, देख रहे हो गाइस तेरी ऐसी तैसी। मेरे को यार इन लोगों से बहुत ज्यादा डर लगने लगा, क्योंकि भाई अब जो है ना पुलिस वाले चारों तरफ से अपनी अपनी गाड़ियां लेकर आके ना भाई रो फिरो को घेर लेते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं अचानक से, भाई पता ही नहीं चलता कुछ भी। तो अभी इनकी मैं सोच रहा हूँ यार भाई इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए, या तो इनकी बैंड बजानी पड़ेगी, लेकिन बैंड बजाऊंगा तो फिर यार मेरे को बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी इनसे। मैं सोच रहा हूँ यार इनसे लड़ाई किए बिना ना मैं अपना सीधा सा लाइट हाउस बाय करके ना उसके अंदर चला जाऊँ, फिर ये पुलिस वाले वहां पे आ ही नहीं सकते, बट इनको ना मजा चखाना ही पड़ेगा। तो अभी देखो एक पुलिस वाले की जो कार आ रही है ना इसको कैसे पानी में फेंकता हूँ, अभी मैं अपनी गाड़ी को यहाँ खड़ा कर लेता हूँ। ओए ओए भाई साहब ये क्या है, इस पुलिस वाले ने तो मेरे को ही नीचे फेंक दिया। इसको तो गाइज मैं बाद में देख लूंगा, फिलहाल यार मैं यहाँ से निकल के ना कैसे भी उस लाइट हाउस को बाय कर लूँ एक बार। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँ यार, कोई रोप लगने की चीज भी तो नहीं दिख रही। ओ मेरी रोप लग गई भाई साहब ड्रॉप के ऊपर, और ये क्या ग्लिच है गाइज, ये क्या भाई साहब, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, देख रहे हो। चलो अच्छा हुआ यार, नहीं तो इन पुलिस वालों के हाथ लग जाता। अभी ऊपर जाता हूँ सीधा, यहाँ से देखो रोप लगाता हूँ और फाइनली ये आ गया ऊपर। ये क्या भाई, ओके तो ओ भाई साहब मैं कैसे ऊपर जाऊँ यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओ शिट भाई साहब, अब तो पुलिस वाले जरूर मेरे को पकड़ ही लेंगे। जल्दी उठ भाई रो फिरो, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो। ओके तो गाइस अभी अपना रो फिरो उठ चुका है, तो इसको मैं कहाँ लेके जाऊँ यार जहाँ पे पुलिस वाले से पकड़ ही ना पाए। एक काम करता हूँ इस पिलर के ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पे ना गाइस एक भी पुलिस वाला नहीं आ सकता। बट ये क्या, ये तो इसके ऊपर बैठ भी नहीं रहा, तो इस रेड वाले के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे ना भाई पुलिस वाला कोई भी नहीं आ सकता है इससे अच्छा। भाई ओ यार एक चीज तो मैं भूल ही गया गाइस, सामने देखो यार कंटेनर, वहां पे जाके आप लोगों के शाउट आउट भी दे दूंगा और इतने पुलिस वाले भी हट जाएंगे, तो ये सबसे बेस्ट आइडिया है गाइस। तो चलो अभी आप लोगों के शाउट आउट दे देता हूँ, तो ये रहे आज के आप लोगों के शाउट आउट। अजय, आदित्य, अंश, अशद, अब्दुल रहमान, पवन पांडे, शिवम, गोपाल, शौरूप, विनय, और जो आप लोग साइड में फोटो देख रहे हो उनका नाम है प्राग दास। अगर आप लोगों को भी गाइस फोटो के साथ में शाउट आउट चाहिए ना तो मेरे को जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और फॉलो करने के बाद मेरे को मैसेज में अपना फोटो और नाम लिख के सेंड कर देना, नेक्स्ट वीडियो में ना आप लोगों को फोटो के साथ में शाउट आउट मिल जाएगा। और ये देखो हमारे पीछे से जो स्टार लगे हुए थे ना वो भी हट चुके हैं, तो जल्दी से टिप्टन के पास चलते हैं और भाई उनको बोलते हैं कि यार हमारे $1 बिलियन वापस से जल्दी से हमें दे दे भाई जो हम लोगों ने जीते थे। हेलो टिप्टन बॉस, क्या हाल चाल है? अरे रोफिरो भाई मैं तो एकदम ठीक हूँ, तू बता कैसा है? और तूने हमारे रोफिरो वाइस टाउन का नाम रोशन कर दिया यार, तू जीत गया, फर्स्ट आया भाई, तूने बहुत मेहनत की थी ना उस रेस के लिए। अरे हाँ टिप्टन बॉस मेहनत तो की थी, तभी तो मैं फर्स्ट रैंक पे आया हूँ, अब जल्दी से
मुझे फर्स्ट रैंक वाला पैसा दे दो जो $1 बिलियन मुझे मिलने थे। हाँ हाँ छोटे, तेरे पैसे बस अभी मंगवाता हूँ, घर पे ही रखे हैं। और वैसे ये तो बता, तू $1 बिलियन का क्या खरीदने वाला है आज? अरे टिप्टन बॉस, आज ना मैं तुम्हें, देखो पीछे जो लाइट हाउस दिख रहा है ना मेरे, आज मैं उसको खरीदूंगा। मेरा सपना था कि मैं एक दिन बड़ा सा लाइट हाउस खरीदूंगा ये वाला। अच्छा छोटे, फिर तो तुझे पैसे नहीं मिलेंगे यार। ये तुम क्या बोल रहे हो टिप्टन बॉस, लेकिन तुमने तो सरकार होने के नाते ऐलान किया था कि जो फर्स्ट रैंक पे आएगा उसे $1 बिलियन मिलेंगे। अरे हाँ हाँ छोटे, किया था, लेकिन तुम्हें लाइट हाउस चाहिए ना, तो लाइट हाउस तो मेरा ही है ना, तो एक काम करो, तुम $1 बिलियन की जगह ये लाइट हाउस ही रख लो। ओके, तो गाइस फाइनली लाइट हाउस देखो हमें मिल चुका है। जैसे कि भाई टिप्टन बॉस जो है ना रोफिरो वाइस टाउन के सरकार भाई, उन्होंने बोल दिया है कि आज से ये लाइट हाउस मेरा हो गया है। ओ भाई साहब देख रहे हो गाइस ये क्या, अबे रोफिरो क्या हुआ भाई, नीचे कैसे फंस गया? अबे रोफिरो तेरे को आवाज आ रही है कि नहीं, ये क्या हो रहा है गाइस, देख रहे हो भाई अपना रोफिरो नीचे फंसा हुआ है। अबे यार ब्लैक स्पाइडर भाई, जल्दी से तू एक काम कर, जेसीबी को बुलवा ले यार, मैं यहाँ पे फंस गया हूँ। अबे जल्दी जेसीबी को बुलवा के इस लाइट हाउस को खुदवा दे यार। अबे भाई रोफिरो ये तू क्या बोल रहा है यार, $1 बिलियन का हमने ये लाइट हाउस खरीदा और अब तू जेसीबी से इसे पूरा खुदवाएगा, पागल हो गया है क्या? अबे यार ब्लैक स्पाइडर, जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा कर भाई, तू जल्दी से जेसीबी को बुलवा के लाइट हाउस को पूरा खुदवा यार, मैं फंस गया हूँ। लाइट हाउस तो मैं दोबारा से भी बनवा लूंगा बढ़िया करके। अबे यार रोफिरो एक बार और कोशिश कर ले यार निकलने की, नहीं तो चल मैं लेके आता हूँ यार जेसीबी को, अब तो तुझे बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो चलो गाइस यार भाई मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, क्योंकि अभी मुझे जाना पड़ रहा है यार जेसीबी को बुलाने के लिए, और जेसीबी वाला ही आके यहाँ से लाइट हाउस को खोदेगा जब जाके अपना रोफिरो बाहर आएगा। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।